गुड मॉर्निंग माई डियर चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल? फाइन यस। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने अब तक पार्ट एक और पार्ट दो, ओके ना, टू लेसन्स वी ऑलरेडी फिनिश्ड। यस माई डियर चिल्ड्रन, यस। नाउ थर्ड लेसन, माँ मुझे आने दे। इस कविता के इस कविता के कवि का नाम मृदुल जोशी है और इस कविता का नाम माँ मुझे आने दे। माँ मुझे आने दे, मृदुल जोशी इस पाठ में इस कविता में अपने भावों को वह दर्शा रही है। हम सीधे पेज नंबर 12 में देखेंगे, उन्मीकरण। माँ चाहिए, बहन चाहिए, पत्नी चाहिए, फिर बेटी क्यों नहीं चाहिए? अनदेखी बिटिया करे पुकार, मत करो यह अत्याचार। इस कविता में हमें यह देखने को मिलता है कि इस कविता में एक बेटी अपने फीलिंग्स, अपने भावों को बता रही है। मतलब इस कविता में भ्रूण हत्या के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? भ्रूण हत्या। भ्रूण हत्या का मतलब यहाँ पर अबॉर्शन के बारे में बताया जा रहा है। मतलब कुछ अनजाने में हो जाता है और कुछ लोग उसे जानबूझकर करते हैं। ओके, देखिए यहाँ पर माँ चाहिए, बहन चाहिए, पत्नी चाहिए। माँ चाहिए मतलब मदर कावाली, बहन चाहिए सिस्टर कावाली, पत्नी चाहिए भारिया कावाली, फिर बेटी क्यों नहीं, मरी अम्माई एंदुकु वद्दु अनुकुंटुन्नारु अनि इक्कड प्रश्न। ओके, मतलब यहाँ पर बेटी नहीं चाहिए इसके बारे में बताया जा रहा है। लड़कियों को जन्म देने से पहले ही खत्म किया जा रहा है, एबॉर्शन किया जा रहा है। अनदेखी बिटिया करे पुकार, मत करो यह अत्याचार। अनदेखी बिटिया करे पुकार, एक लड़की इस समाज में अपने भावों को बता रही है, मत करो यह अत्याचार। अर्धम अर्थ माय डियर चिल्ड्रन, मत करो यह अत्याचार, इटवंटी पापम पनलु चेयोद्दु अनि तन एंतो वेदनतो बाधतो ई कवितालो चेप्तू उंदी। अटुवंटी बाधनी मृदुल जोशी गारु इक्कड माकु दर्शिंची उन्नारु। सो हम सब बहुत ही ध्यान से और अच्छे से हमें सुनना चाहिए। देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अनदेखी बिटिया करे पुकार, मत करो यह अत्याचार, इटवंटी अत्याचार मीरु मा कोरकु चेयोद्दु अनि चेप्तुन्नारु। चाना सूटिगा इक्कड चेप्तुन्नारु, एकदम अच्छे से यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक लड़की का भ्रूण हत्या नहीं करना चाहिए। आजकल के दुनिया में एक लड़की बहुत कुछ कर सकती है और उसे हमें ध्यान देना चाहिए। ऐसा अभी भी बहुत सारे ग्रामीण जगहों पर किया जा रहा है। अभी भी लड़कियों को पेट में ही मारा जा रहा है, मतलब भ्रूण हत्या किया जा रहा है। अबॉर्शन चेस्तू उन्नारु टिल इप्पुड़ वरकु गोड़ा। रीजन, नॉर्थ इंडियंस में दहेज प्रथा, ओके ना, डौरी सिस्टम गुरुंची गुड़ा इदी ఒక పాయింట్ లోకి వస్తదన్నమాట। కానీ आजकल के जमाने में ओके लड़के लड़कियों को समान हक दिया जा रहा है। सी हियर, थ्री क्वेश्चंस इज देयर नो माय डियर चिल्ड्रन। अनदेखी बिटिया क्या चाहती है? अनदेखी बिटिया क्या चाहती है? अनदेखी बिटिया उन पर होने वाले अत्याचार को रोकना चाहती है। अनदेखी बिटिया क्या चाहती है?
అమ్మాయి కోరిక ఏంటి ఈ అత్యాచారాన్ని స్టాప్ చేయాలి ఏం చేయాలి స్టాప్ చేయాలి అంత అడుగుతుంది ఇన్ పంక్తియో సే క్యా సందేశ్ మిల్తా హై సందేశ్ కా మత్లబ్ మెసేజ్ సందేశ్ కా మత్లబ్ మెసేజ్ నారీ కే బినా సమాజ్ కీ కల్పనా అసంభవ్ హై నారీ కే బినా సమాజ్ కీ కల్పనా అసంభవ్ హై ఇస్లియే इस अत्याचार को रोकना अति आवश्यक है ऐसा इस कविता में बताया जा रहा है। नारी के बिना समाज की कल्पना असंभव है, इस पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। इस नारी के बिना समाज असंभव है। मानव सामाजिक प्राणी है, समाज परिवारों से बनता है। अवना कादा ఒక సమాజం ఒక ఫ్యామిలీ ద్వారానే కదా కూడుకుండేది, అట్లానే ఒక ఔరత్ కే బినా కిసీ పరివార్ కి కల్పన కర్నా భీ అసంభవ్ హై। ఒక లేడీ ఉంటేనే ఆ ఫ్యామిలీ సంపూర్ణమైనది కంప్లీట్నెస్ వస్తుంది। కాబట్టి ఓకేనా, మనం అందరం ఇక్కడ ఏమర్థం చేసుకోవాలంటే భూని హత్య అలాంటి వాటిని మనం ఏం చేయాలి స్టాప్ చేయాలి। ओके माय डियर, सी उद्देश्य छात्रों को छंद मुक्त कविताओं से परिचय करवाना। इस कविता के माध्यम से भ्रूण हत्याओं का विरोध करने का प्रयास किया जा रहा है। इस कविता लो ई पोयम लो भ्रूण हत्याओं का विरोध करने का प्रयास किया जा रहा है। अंटे मनमु ई पोयम द्वारा एम नेर्चुकुंटुन्नाम अंटे అబోర్షన్ని స్టాప్ చేయాలి అని చెప్తున్నారు। ప్రయాస్ అంటే ఏం చేస్తున్నారు, వాళ్ళు ట్రై చేస్తున్నారు ఇది స్టాప్ చేయాలి। లింగ భేద్కా డట్కర్ విరోధ్ కర్నా, ఓకే లింగ భేద్కా యహా పర్ డట్కర్ విరోధ్ కర్నా కంపల్సరీ, సమాన్ అధికారం ఉంది అబ్బాయి అండ్ అమ్మాయికి, లింగ విరోధ్ గురించి ఇక్కడ చెప్తున్నారు। भ्रूण हत्याओं पर रोक लगाकर बालिका शिक्षा की प्रेरणा देना इसका उद्देश्य है। भ्रूण हत्या ने स्टॉप चेसी बालिका शिक्षा की प्रेरणा। एस आजकल की दुनिया में लड़कियों को कितना आगे बढ़ाया जा रहा है, उसी के अनुसार इस कविता में बताया जा रहा है कि बालिका शिक्षा की प्रेरणा, बालिकाओं को भी शिक्षा के लिए आगे उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। इस कविता का उद्देश्य यह है करके इस कविता में बताया जा रहा है। अंडरस्टैंड माय डियर चिल्ड्रेन। यस नेक्स्ट विधा विशेष, यह एक छंद मुग्ध कविता है। इसमें प्रत्येक पंक्ति कविता विषय के इर्द गिर्द घूमती रहती है। पंक्ति कविता अंटे ఈ పోయంలో ప్రతి ఒక్క వర్డ్ ఒకే, అంటే ఆన్సర్ ఒకటే, క్వశ్చన్ ఒకటే, ఏంటి అబార్షన్ని స్టాప్ చేయాలి। పోయం అంతలో మనం ఏ లైన్లో చదివినా కూడా అక్కడ ఏముంటుంది, మనకి అబార్షన్ అనేది స్టాప్ చేయాలి, బాలికాకు హత్య అత్యాచార్ జో కర్ రహే ఉనే హమ్ క్యా కర్నా హై స్టాప్ కర్నా హై ఉస్కే బారే మే ఇస్ కవితా మే బతాయా జా రహా హై। सटीक और प्रभावशाली शब्दावली ऐसी कविताओं की पहली मांग होती है। इट्वंटी पोयम की एक्व मनमेम चेयाली प्रोत्साहन चेसी अट्वंटी पोयम रासिन मृदुल चोसी अलाने ई कवितालो उन्न भावालनी मनम अंदर अर्धम चेसकोनी इदी ई अत्याचार ని స్టాప్ చేయాలి అని మనం అందరం ఏమై ఉండాలి, ఒక గురి అయి ఉండాలి, మనందరికీ ఒకే ఆలోచన కలిగి ఉండాలి। ఎస్ ఆజకల్ కే జమానే మే లడ్కియో కో పడానా హై ఔర్ లడ్కే ఔర్ లడ్కియో కా సమాన్ అధికార హై ఐసా పూరా సమాజ్ కహతా హై, లేకిన్ అభీ భీ కహీ కహీ జగహో పర్ భ్రూణ హత్యాఓ కో పర్ అధిక ప్రభావ పడ్ రహా హై। సో ఇస్ ప్రభావ కో మిటానే కే లియే, इस अत्याचार को रोकने के लिए हमें दृढ़ संकल्प लेना है। ओके माय डियर। यस नेक्स्ट कवित्री परिचय, कवित्री मृदुल जोशी का जन्म 1960 में उत्तराखंड के
काठ गोदाम में हुआ। कवित्री मृदुल जोशी का जन्म सन 1960 में उत्तराखंड के काठगोदाम में हुआ। इनकी रचनाओं का मुख्य विषय नारी चेतना व समसमाज का निर्माण है। मतलब यहाँ पर मृदुल जोशी हमेशा नारियों के लिए अधिक मतलब नारियों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते रहती है। ऐसे कविता और स्टोरी मतलब कहानियाँ वह लिखती है। इनकी चर्चित रचनाएं समकालीन हिंदी काव्य में आम आदमी, गुम हो गए अर्थ की तलाश में, शब्दों के स्थितिज से इन दिनों आदि हैं। ऐसे कहानियां और कविताएं मृदुल जोशी जी ने लिखे हैं, जिसमें नारियों को आगे बढ़ाया जाता है। आगे बढ़ाया जाता है मतलब वहां पर उनका उद्देश्य यह है कि हमें लड़के और लड़कियों को समान अधिकार देना चाहिए है। ऐसा हमें कवि यहाँ पर कवित्री जी यहाँ पर हमें बता रही है। सो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम सिर्फ यहाँ तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट मतलब अगले हफ्ते मैं विषय प्रवेश की ओर बढ़ूंगी। इस हफ्ते में आप लोगों को होमवर्क कवि परिचय, कवित्री परिचय मृदुल जोशी का आप लोग अच्छे से ध्यान करके दो बार अपने होमवर्क बुक्स में लिखिए। और मैंने पिछले हफ्ते आप लोगों को होमवर्क्स दिया था, उस होमवर्क को भी मैं आज देखूंगी। सो बरसते बादल और ईदगाह का जो मैंने आप लोगों को परियोजना कार्य दिया था, उस कार्य को भी मैं आज देखूंगी। आज टुडे इट्सेल्फ वेनसडे, आई वांट टू सी एवरीबॉडी प्रोजेक्ट वर्क्स। सो प्लीज माय डियर चिल्ड्रन, एंड टुडे इट्सेल्फ आल्सो आई विल गिव टू मार्क्स आल्सो। सो प्लीज एवरीबॉडी सेंड द प्रोजेक्ट वर्क। Okay, my dear children, God bless you.